नंदनी रोड में पावर हाउस चौक से लेकर एसीसी चौक तक अवैध कब्जों की भरमार है। कब्जेधारियों को निगम प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने लगातार कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इन्हें संरक्षण ही प्रदान किया जाता है। पूरे शहर से अवैध कब्जा हटाने का दावा करने वाले नगर निगम प्रशासन की पोल नंदनी रोड पावर हाउस में खुल जाती है। नंदनी रोड में पावर हाउस चौक से लेकर एसीसी चौक तक अनेकों अवैध कब्जों की भरमार है। लंबे वक्त से निगम प्रशासन द्वारा इन अवैध कब्जेधारियों को अपना अवैध कब्जा हटाने की केवल चेतावनी ही दी जाती रही है। आज तक नगर निगम प्रशासन ने यहाँ से अवैध कब्जों को नहीं हटाया है। नंदिनी रोड के किनारे अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहे इन कब्जेधारियों के कारण हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि इनके पास खरीदी करने आए लोगों द्वारा अपने वाहनों को नंदिनी रोड में ही पार्क किया जाता है। निगम प्रशासन द्वारा पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में घूम घूम कर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जा रही है, लेकिन नंदिनी रोड को छोड़ दिया गया है। यहाँ के कब्जेधारियों को केवल कब्जा हटा लेने की समझाइश भर दी गई है। निगम को समझाइश दिए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अवैध कब्जेधारी अपने स्थानों में अभी भी काबिज हैं। नंदनी रोड में सीएसपी कार्यालय के समीप ही अवैध कब्जों की भरमार है। यहाँ से निगम अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की आवाजाही निरंतर बने रहती है, लेकिन इन अवैध कब्जों को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। नंदनी रोड में नॉन वेंडिंग जोन का निगम द्वारा लगाया बोर्ड होने के बावजूद भी अवैध कब्जेधारी यहां धड़ल्ले से अवैध कब्जा कर व्यापार कर रहे हैं। यहां कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी सक्रिय हैं, जिनके द्वारा नंदनी रोड सड़क किनारे बांस बल्ली से कब्जा कर दुकानें बनाकर उसे किराए पर संचालित किया जा रहा है। इन राजनीतिक लोगों की पहुँच पकड़ के आगे शायद निगम अधिकारी अपने आप को कार्रवाई करने में बेबस पाते हैं। यही वजह है कि नंदनी रोड के कब्जाधारियों को निगम ने अवैध कब्जा कर व्यापार करने की खुली छूट प्रदान की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।